आजकल फोन कैमरास में तो मेगापिक्सल की बाढ़ आ गई है। पहले शुरुआत हुई थी 1 मेगापिक्सल, मेरे को याद है जब मेरे पास पहला फोन था 1.3 मेगापिक्सल कैमरा था उसका, और उसकी क्वालिटी को देखकर भी मैं एकदम चौंक जाता था कि क्या ओ भाई क्वालिटी है। फिर जमाना आया 5 मेगापिक्सल का, 8, 12, 13, 24, 48। अब आज हम बात करने वाले हैं अभी जो लेटेस्ट चल रहा है 48 मेगापिक्सल कैमरा जो कि फोन में देखने को मिलता है। तो क्या सही में आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए? क्या ये जो 48 मेगापिक्सल की टैग लाइन है इसका इस्तेमाल करके ये स्मार्टफोन कंपनियां आपको लालच दिला रही है? मतलब जब आप देखते हैं कि अरे यार, जो नॉर्मल लोग हैं जिनको टेक के बारे में नॉलेज नहीं है उनको तो यही लगता है कि अगर उनके फ़ोन में मेगापिक्सल ज़्यादा है तो उनका कैमरा बेटर है, जबकि मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 48 मेगापिक्सल अगर आपके फ़ोन में कैमरा है, अभी लेटेस्ट आपने कोई खरीदा है फोन, तो इसका ये मतलब है कि वो इतने पिक्सल्स कैप्चर करता है, वो कितनी डिटेल कैप्चर करता है, ये बताता है कि कितनी डिटेल कैप्चर करता है किसी की भी आप फोटो ले रहे हैं तो। वो ये नहीं बताता है कि क्वालिटी कितनी अच्छी है। सोनी के सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं आजकल, जितने भी 48 मेगापिक्सल के जो भी कैमराज आ रहे हैं उनमें सोनी का सेंसर इस्तेमाल होता है जो कि बहुत पावरफुल है। लेकिन इसमें और भी एक चीज़ है जो कि आपके फ़ोटो को बेटर बनाती है, और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो अभी चल रहा है मार्केट में मैं आपको दूंगा, ठीक है। 48 मेगापिक्सल से अगर आप, मतलब ज़्यादा मेगापिक्सल कैमरा से अगर आप कोई फ़ोटो खींचते हैं तो वो फ़ोटो अगर आप जूम करेंगे तो फटेगी नहीं। ये फ़ायदा होता है, जूम करेंगे तो फटेगी नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा मेगापिक्सल्स, ज़्यादा पिक्सल्स उसने कैप्चर किए हुए हैं। ये क्वालिटी को नहीं दर्शाता, सिर्फ कितनी डिटेल कैप्चर करेगा उसको दर्शाता है। उसकी क्वालिटी ख़राब भी हो सकती है लेकिन डिटेल होगी, सब कुछ पता चलेगा क्या क्या है जूम करने पर, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कितना अच्छा है, ठीक है। तो कितनी डिटेल है और क्या क्वालिटी है, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब नॉर्मली हम जानते हैं कि हम फोटो लेते हैं तो हम इसे अपने फ़ोन में ही देखते हैं, उसका बड़ा बैनर तो नहीं बनवाते। जब आप किसी अपने दोस्त का फ़ोटो लेते हैं, अपनी सेल्फी लेते हैं, तो उसको आप पूरी सिटी में लगाने के लिए बड़ा बैनर तो स्ट्रेच करके नहीं बनवाते कई मतलब मीटर लंबा, नहीं, एक छोटी सी स्क्रीन में देखते हो, या बड़ी से बड़ी अगर कंप्यूटर स्क्रीन है तो इतने में देखते हो, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर वही इमेज अगर आप एक 12 मेगापिक्सल कैमरा से भी लेंगे तो उससे बेटर भी नज़र आ सकती है और वैसी ही नज़र आएगी। सोशल मीडिया पर अगर शेयर करते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम पर, तो मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम खुद आपके बड़े साइज़ की इमेज को कम कर देता है। जैसे अगर 10 MB की फ़ोटो है और आप उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहे हैं तो पूरे 10 MB की अपलोड नहीं होती है, वो तो कितने KB की हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है और तब अपलोड होती है। अगर ज़्यादा मेगापिक्सल कैमरा से फोटो लेके फ़ोन में देखोगे तो इवन वो ख़राब ही दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा, और 12 मेगापिक्सल से देखोगे तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। अब एग्जांपल देता हूँ आपको, पिक्सल फोन्स, कभी आपने सोचा है कि उसमें सिर्फ 12-13 मेगा, बहुत कम मेगापिक्सल के कैमरे होते हैं, लेकिन फिर भी आज मार्केट में गूगल के जो पिक्सल फोन्स हैं उनके मुकाबले कैमरा किसी का भी फ़ोन का नहीं है, और चाहे पिक्सल फोन में एक ही कैमरा क्यों ना हो। इसका मेन कारण है उसका प्रोसेसर, उसके एल्गोरिदम। आजकल की AI के ज़माने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, ये मैटर नहीं करता कि आपके फ़ोन का कैमरा कितना मेगापिक्सल है, जबकि ये मैटर करता है कि उस कम मेगापिक्सल कैमरे को भी प्रोसेस करने के लिए, उसको बाद में बैक एंड में उसको ऑप्टिमाइज करके एक आउटपुट अच्छा देने में कौन सा प्रोसेसर काम करता है, ये ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि सेंसर ने ले तो ली पिक्चर, उसको कैसे फाइनल रिजल्ट आएगा, कैसे प्रोसेस किया जाएगा, कितना टाइम लगेगा, ये सिर्फ प्रोसेसर ही कर सकता है। तो अगर एक अच्छा प्रोसेसर है और उसके साथ में एक डिसेंट सा सेंसर है और कैमरा है तो इमेज ज़्यादा अच्छी आएगी। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 48 मेगापिक्सल का जो टैग लाइन है ये फ़ोन को बेचने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ओप्पो, वीवो या जितने भी फ़ोन, मोटोरोला या जितने भी सैमसंग, ये जितने भी है आजकल, शाओमी, जितने भी ब्रांड है, वो ये जो टैगलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोगों को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा मेगापिक्सल से लोग ये सोच रहे हैं कि उनका कैमरा ज़्यादा बेटर है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि क्वालिटी और डिटेल और मेगापिक्सल और प्रोसेसर का क्या रोल होता है। अगर आपके फ़ोन में 12 मेगापिक्सल कैमरा भी है, मैंने आईफोन के भी देखे हैं कि उसमें 12 मेगापिक्सल या 13 मेगापिक्सल, अलग अलग फ़ोन है जिसमें सिर्फ 13 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन फ़ोटो क्या कमाल के आते हैं। तो ये चीज़ है, इसीलिए 48 मेगापिक्सल से भी आप खुश नहीं होते और 12 मेगापिक्सल से लोग किंग कहलाते हैं फोटोग्राफी के, यही रियलिटी है। आशा करता हूँ आपको ये डिटेल में पता चल गया होगा कि 48 मेगापिक्सल कैमरा होना ज़रूरी नहीं है, बाकी प्रोसेसर और बाकी चीज़ें अच्छी होनी ज़रूरी हैं। आप एक अच्छे ब्रांड का फ़ोन खरीदिए जिसमें अगर 12 मेगापिक्सल भी है, और अगर किसी का चाइनीज़ ब्रांड है और वो 48 मेगापिक्सल भी है,
तो आप उसको रेस में यूं ही हरा दोगे क्वालिटी में। उसके सिर्फ डिटेल ज़्यादा आ रही है लेकिन आपकी पिक्चर की क्वालिटी ज़्यादा आ रही है। और फाइनली अगर आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो तो वो तो अपने आप ही कंप्रेस हो जाएगी। चाहे 10 किलोमीटर लंबी फोटो ले लो, देखनी तो छोटे फ़ोन में ही है, और अगर उसको इतनी लंबी फ़ोटो को, इतने ज़्यादा पिक्सल की फ़ोटो को छोटे में देखोगे तो इवन उसकी क्वालिटी भी ख़राब नज़र आएगी। समझ गए मेरी बात? और जबकि छोटे 2 मेगापिक्सल से, 3 मेगापिक्सल से, 4 या 8 मेगापिक्सल से ली हुई फोटो अगर छोटी स्क्रीन में देखो तो ज़्यादा बेटर नज़र आएगी। ये सच्चाई है। आशा करता हूँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और ये मार्केट के 48 मेगापिक्सल कैमरे की आपको सच्चाई पता चल गई होगी। मैंने भी एक 21 मेगापिक्सल का एक सोनी का छोटा सा कैमरा खरीदा था बहुत पहले, यही देख के कि 21 मेगापिक्सल का कैमरा है लेकिन उसकी पिक्चर इतनी ख़राब आती थी, मैं क्या बताऊँ। तो मेरी गलती थी सबसे बड़ी वो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई सवाल है आपके कैमरा से रिलेटेड तो आप कैमरा से रिलेटेड तो कमेंट में पूछिए मुझसे, मैं उसका जवाब दूंगा। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में आपका इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। 299 रुपीज़ का इथिकल हैकिंग कोर्स है, नया हैकिंग कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है तो पहली क्लास जल्दी से कंप्लीट कर लो। पहली क्लास मैंने डाल दी है, जो मेरा पहला हैकिंग कोर्स था क्विक हैक टेक मास्टर, उसको सीखो। उसके बाद नेक्स्ट अभी आने वाला है एक नया कोर्स, फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, ऐसा ज्ञान मैं बांटता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।